नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण औषधि को लेकर के। आइए आज हम सभी जानते हैं कुल्थी के बारे में। कुल्थी का सबसे बड़ा फायदा होता है स्टोन में। जी हाँ, कई लोगों को अक्सर ही स्टोन की समस्या होती रहती है। बार बार ऑपरेशन करवाने के बाद भी उनको ये समस्या दोबारा हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका शरीर भोजन द्वारा ग्रहण किए हुए कैल्शियम को पचा नहीं पाता है और किडनी भी शरीर की गंदगी की सफाई करते समय इसको साफ रखने में असक्षम हो जाती है और यहीं से ये हमारे मूत्राशय को भी प्रभावित करती है। तो आइए हम जानते हैं कि इससे मुक्ति पाने का सरल और घरेलू नुस्खा क्या होगा। कुल्थी में प्राकृतिक पथरी नाशक गुण पाए जाते हैं। गुर्दे से जुड़ी कई समस्याएँ हैं, मसलन गुर्दे में दर्द, मूत्र में जलन या मूत्र का अधिक या कम आना इत्यादि। इन सभी समस्याओं में से एक समस्या है जिसके पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वह है किडनी में पथरी। आयुर्वेद व घरेलू चिकित्सा में किडनी की पथरी में कुल्थी को फायदेमंद माना गया है। गुणों की दृष्टि से कुल्थी पथरी एवं शर्करा नाशक है। वात एवं कफ का शमन करती है और शरीर में उसका संचय रोकती है। कुल्थी में पथरी का भेदन तथा मूत्रल दोनों गुण होने से यह पथरी बनने की प्रकृति और पुनरावृत्ति रोकती है। इसके अतिरिक्त यह यकृत एवं प्लीहा के दोष में लाभदायक है, मोटापा भी दूर होता है। 250 ग्राम कुल्थी कंकड़ पत्थर निकालकर साफ कर लें। रात में 3 लीटर पानी में भिंगो दें। सवेरे भींगी हुई कुल्थी उसी पानी सहित धीमी आग पर 4 घंटे पकाएं। जब 1 लीटर पानी रह जाए, जो काले चनों के सूप की तरह होता है, तब उसे नीचे उतार लें। फिर 30 ग्राम से 50 ग्राम पाचन शक्ति के अनुसार देशी घी का उसमें छोंक लगाइए। छोंक में थोड़ा सा सेंधा नमक, काली मिर्च, जीरा, हल्दी डाल सकते हैं आप। पथरी नाशक औषधि तैयार हो जाएगी इस प्रकार से आपकी। आप दिन में कम से कम एक बार दोपहर के भोजन के स्थान पर यह सारा सूप पीजिए। 250 ग्राम पानी अवश्य पीजिए, ये ध्यान रखिए। 1-2 सप्ताह में गुर्दे तथा मूत्राशय की पथरी गलकर बिना ऑपरेशन के बाहर आ जाती है। लगातार सेवन करते रहना राहत देता है। यदि भोजन के बिना कोई व्यक्ति रह न सके तो सूप के साथ एक आध रोटी लेने में कोई हानि नहीं है। गुर्दे में सूजन की स्थिति में जितना पानी पी सकें, पीने से 10 दिन में गुर्दे का प्रदाह ठीक हो जाता है। यह कमर दर्द की भी रामबाण दवा है। कुल्थी की दाल साधारण दालों की तरह पकाकर रोटी के साथ प्रतिदिन खाने से भी पथरी पेशाब के रास्ते टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाती है। यह दाल मज्जा यानी कि हड्डियों के अंदर की चिकनाई बढ़ाने वाली है। कुल्थी के अलावा खीरा, तरबूज के बीज, खरबूजे के बीज, चौलाई का साग, मूली, आंवला, अनानास, बथुआ, जौ, मूंग की दाल, गोखरू इत्यादि खाते रहना चाहिए। कुल्थी के सेवन के साथ दिन में 6 से 8 गिलास सादा पानी पीना खासकर गुर्दे की बीमारियों में बहुत हितकारी सिद्ध होता है। अब जानते हैं कि किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। पालक, टमाटर, बैंगन, चावल, उड़द, लेसदार पदार्थ, सूखे मेवे, चॉकलेट, चाय, मद्यपान, मांसाहार इत्यादि। मूत्र को रोकना नहीं चाहिए। लगातार 1 घंटे से अधिक एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। कुल्थी के साथ साथ कुल्थी का पानी भी बेहद लाभकारी होता है। कुल्थी का पानी विधिवत लेने से गुर्दे और मूत्राशय की पथरी निकल जाती है और नई पथरी बनना भी रुक जाता है। किसी साफ सूखे मुलायम कपड़े से कुल्थी के दानों को साफ कर लें। किसी पॉलीथीन की थैली में डालकर किसी टीन में या कांच के बर्तन में सुरक्षित रख लें। अब हम जानते हैं कुल्थी का पानी बनाने की विधि क्या होगी। किसी कांच के गिलास में 250 ग्राम पानी में 20 ग्राम कुल्थी डालकर ढककर रात भर भिंगो दीजिए। सुबह इस पानी को अच्छी तरह मिला करके खाली पेट पी लीजिए। फिर उतना ही नया पानी उसी कुल्थी के गिलास में और डाल दीजिए।
जिसे दोपहर में पी लें आप। दोपहर में कुल्थी का पानी पीने के बाद पुनः उतना ही नया पानी शाम को पीने के लिए आप डाल दीजिए। इस प्रकार रात में भिंगोई गई कुल्थी का पानी अगले दिन 3 बार सुबह, दोपहर, शाम पीने के बाद उन कुल्थी के दानों को फेंक दीजिए और अगले दिन यही प्रक्रिया अपनाइए। महीने भर इस तरह पानी पीने से गुर्दे और मूत्राशय की पथरी धीरे धीरे गलकर निकल जाती है। इसके साथ साथ इसके कुछ एक सहायक उपचार भी होते हैं जिनको भी अपनाना चाहिए। कुल्थी के पानी के साथ हिमालय ड्रग कंपनी की सिस्टोन की 2 गोलियां दिन में 2 से 3 बार प्रतिदिन लेने से शीघ्र लाभ होता है। कुछ समय तक नियमित सेवन करने से पथरी टूट टूट कर बाहर निकल जाती है। यह मूत्र मार्ग में पथरी, मूत्र में क्रिस्टल आना, मूत्र में जलन इत्यादि को खत्म कर देती है। तो ये औषधि दोस्तों आप सभी के लिए बेहद ही लाभकारी औषधि है। अगर आप इसका सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी पथरी को टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाल देती है। ऐसी ही नई औषधि लेकर के अगली कड़ी में हम आप सभी से जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।